साथियों, पीछे आपने देखा बालेवाड़ी के इतिहास, भूगोल और इसके तमाम जानकारियों को। चलिए शुरू करते हैं जहां से हमने पहली कड़ी को खत्म किया था। अभी हम लोग हैं मुंबई पुणे बैंगलोर हाईवे पर। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को। यह मेट्रो लाइन हिंजौड़ी से मेगापोलिस सर्कल से शुरू हो रही है और ये बानेर बालेवाड़ी होते हुए जा रही है छत्रपति शिवाजी नगर तक। अब हम लोग आ चुके हैं हाईवे के दूसरी तरफ। हमारे लेफ्ट साइड में मौजूद है बालेवाड़ी का पूरा लोकेशन। चलिए आगे बढ़कर देख लेते हैं यहाँ के आगे का नजारा क्या है। थोड़ा दूर आगे बढ़कर अब ले लेंगे हम लोग लेफ्ट टर्न। ये जिस रास्ते पर हम मुड़ रहे हैं इसे बालेवाड़ी रोड के नाम से जाना जाता है। अभी लेफ्ट साइड में आप जो कॉमर्शियल टावर देख पा रहे हैं ये अमरटेक पार्क है। इसके तुरंत बाद ही आप मिटकॉन इंटरनेशनल स्कूल देख सकते हैं। इसी के अपोजिट साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी मौजूद है, जिसे निकमार यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से जुड़े तमाम कोर्सेज आप परस्यू कर सकते हैं। इसी के तुरंत बाद अगर आप देखें तो GS मोजे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भी मौजूद मिलेगा आपको। इन कॉलेज के दूसरी तरफ यदि आप देखें तो सिंगल एलोन स्टैंड बिल्डिंग मौजूद हैं और काफी लैंड पार्सल अभी खाली पड़े हैं। इसी बालेवाड़ी रास्ते पर थोड़ा और आगे बढ़ते ही राइट साइड में आपको मिल जाएगा साई चौक रोड, जहां का पूरा सफर आपको बालेवाड़ी के पार्ट वन वीडियो में दिखा चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो मिस कर दिया है तो अभी आई बटन पे प्रेस करके देख लीजिए। चलिए आपको ले चलते हैं बालेवाड़ी के उस हिस्से में जहां पर इस एरिया का सबसे ज्यादा लैंड पार्सल डेवलप होने वाला है, यानी अभी काफी लैंड पार्सल खाली पड़े हैं। आपको हमने मिटकॉन इंटरनेशनल स्कूल और मिटकॉन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जहां पर दिखाया, वहीं से अष्टविनायक रोड पर आगे बढ़ते हुए बचे हुए हिस्सों का डेवलपमेंट भी आपको दिखा देते हैं। तो साथियों, अभी जिस चौक पे हम लोग खड़े हैं मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये रास्ता आपका सीधा निकल जाता है जो कसपटी चौक से। हमने आपको एक नया ब्रिज दिखाया हुआ था, लगभग उसको भी 8-9 महीने हो गए, तो उस ब्रिज से जो रास्ता आ रहा है उसी रास्ते में जाके इसे कनेक्ट होना है। और इसी रास्ते पे एक प्रोजेक्ट है कुणाल कैनरी, जिसका पूरा रिव्यू वीडियो हमने आपके सामने लाया हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे आई बटन पे प्रेस करके देख लीजिए। और हमारे सामने जो ये रास्ता जा रहा है ये सीधा आपको मुंबई पुणे बैंगलोर हाईवे तक कनेक्ट होना है, लेकिन इसमें भी बीच में कुछ अड़चनें हैं। और जो पीछे का रास्ता मैंने आपको बताया उसमें भी बीच बीच में कुछ ऐसी अड़चनें हैं कि जो अभी रास्ता बन नहीं पाया है। तो उम्मीद यही करेंगे कि जल्द से जल्द ये रास्ते कनेक्ट हों, जिससे आपको हाईवे से भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल पाए और साथ ही साथ इसके पैरेलल यानी कि जो यहां से टी पॉइंट निकल रहे हैं बालेवाड़ी के लिए अलग अलग रोड, उनको भी अच्छी खासी कनेक्टिविटी मिल पाएगी। बाकी आप वीडियो देख ही रहे हैं, अभी काफी कुछ इस वीडियो में आपके लिए देखना बाकी है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करिए और अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको तमाम जानकारियां मिलती रहें और हमें मिलता रहे आपका प्रोत्साहन। अभी जिस जगह पर हम लोग हैं यह बालेवाड़ी का नॉर्दर्न पार्ट है। यहाँ की ज्यादातर जमीन नदी से लगकर है और इसी हिस्से में बालेवाड़ी के मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स भी मौजूद हैं और जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन में हैं और नए नए प्रोजेक्ट्स लगातार आ भी रहे हैं। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले लोकेशन या प्रोजेक्ट जीरो डाउन करने में आ रही किसी भी समस्या के लिए आप सौदाघर से इन पर्सन कंसल्टेशन ले सकते हैं। इसके लिए हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इनमें मंत्रा मोनार्क, प्राइमा एंगुलस, जिसका वर्क प्रोग्रेस भी अभी आप देख सकते हैं, जल्द ही कस्तूरी का प्रोजेक्ट भी इसी तरफ आने वाला है, साथ ही गगन क्लारा, न्यूली लॉन्च्ड मैजेस्टिक 27 ग्रैंड रेजिडेंसेस, ऋग्वेद अपटाउन और ANP यूनिवर्स जैसे तमाम प्रोजेक्ट इसी तरफ मौजूद हैं, जिनमें से कुछ के रिव्यू और वर्क प्रोग्रेस हमने पहले ही आपको दिखाया है। जल्द ही बचे हुए प्रोजेक्ट्स का रिव्यू और उसके वर्क प्रोग्रेस को आप देख पाएंगे। इस पूरे हिस्से का स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी
जो आपको वाकर से जोड़ देगा वह है कसपटे चौक पर बना ब्रिज। आइए एक बार दोबारा बालेवाड़ी के केंद्र में चलते हैं। आज के समय में बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट ही इस लोकेशन का केंद्र है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं इसके मुख्य केंद्र की, यानी कि बालेवाड़ी गांव की। हमने आपको पार्ट वन में इसके बारे में काफी कुछ बताया था, लेकिन कुछ और तथ्य यहां रखना जरूरी है। बालेवाड़ी के नाम को लेकर यह भी मान्यता है कि यहां पर बालेश्वर महादेव जी का मंदिर है और इसी वजह से यहां का नाम बालेवाड़ी पड़ा और यहां पर रहने वाले लोग बालवड़कर कहे जाने लगे। यहीं पर और भी कई धार्मिक स्थल मौजूद हैं, जैसे विट्ठल रुक्मणी मंदिर, हनुमान मंदिर, शिव मंदिर और श्री ग्राम दैवत भैरवनाथ मंदिर, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यदि हम समझें इस लोकेशन का प्रेजेंट और फ्यूचर, तो यह बात साफ है कि बालेवाड़ी एक तरीके से पुणे वेस्ट के लिए सेंट्रल लोकेशन का रोल प्ले करता है। यहां से आप हिंजोड़ी की तरफ, वाकड़, ताथौड़े, पुनवले, रावेत की तरफ आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं। दूसरी तरफ बानेर, पाषाण, बावधान, भोगांव की तरफ भी जाना इस लोकेशन से आसान है। वहीं सेंटर ऑफ सिटी भी बावधान से नजदीक है पुणे वेस्ट के बाकी लोकेशन से। यही कारण है कि पुणे वेस्ट में जो भी अपना घर बनाना चाहते हैं वो बानेर और बालेवाड़ी को वरीयता देते हैं। बालेवाड़ी में यदि आप देखें तो मैक्सिमम 2 BHK 750 स्क्वायर फीट के ऊपर आ रहे हैं और 3 BHK 1100 स्क्वायर फीट के ऊपर लॉन्च हो रहे हैं। यह टोटल एरिया है, यानी कि रेरा कार्पेट प्लस टेरेसेज प्लस बैल्कनी को मिला के। वहीं अगर आप बानेर में देखें तो 2 BHK से ज़्यादा अब 3 और 4 BHK के लॉन्चेज ज़्यादा आ रहे हैं, यानी आप साफ देख सकते हैं कि बड़े साइजेज के कारपेट का डिमांड लगातार बढ़ रहा है, जो हमने आपको केस स्टडी के वीडियो में भी दिखाया हुआ है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पे प्रेस कर लीजिए। आज के समय में बालेवाड़ी का प्राइस बानेर लोकेशन से कम है और कनेक्टिविटी में और भी इम्प्रूवमेंट होने की पूरी संभावना बनी हुई है, और काफ़ी लंबे समय से यह PMC का हिस्सा भी है। और जैसा हमने आपको दिखाया, रिवर की तरफ अभी तमाम लैंड पार्सल पे डेवलपमेंट होना है। इसके चलते यह कहा जा सकता है आने वाले समय में बालेवाड़ी में प्राइस राइज, एप्रिसिएशन और अच्छी ROI का काफ़ी स्कोप बना रहेगा। वीडियो को लाइक शेयर करिए। यदि आपको पसंद आ रहा है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको तमाम जानकारियाँ मिलती रहें और हमें मिलता रहे आपका प्रोत्साहन। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। गो चलें क्या? ये सब कुछ देखेंगे, पहले बेल्ट तो लगा लें यार। गाड़ी चालू की नहीं कि बेल्ट भूल गए।